बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ और खबर प्रयागराज से, जहां अतीक अहमद और अशरफ को दफना दिया गया है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में, कब्रगाह में उन्हें दफनाया गया है। बता दें, गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के शव को कसारी मसारी कब्रिस्तान में आज दफना दिया गया। दोनों की शनिवार देर रात गोली मारकर हत्या की गई थी। ये हमला तब हुआ था जब पुलिस दोनों को मेडिकल के लिए प्रयागराज के गॉल्विन अस्पताल ले जा रही थी। तीनों हमलावरों ने पुलिस की गाड़ियों पर कई राउंड फायर किए, जिसमें अतीक और अशरफ दोनों की मौत हुई। वारदात को मीडिया के कैमरों के सामने अंजाम दिया गया। एक बड़ा दुस्साहस तीन हमलावरों ने दिखाया था, और ये तस्वीरें जहां परिजन की मौजूदगी में दोनों को सुपुर्द खाक किया गया। अतीक के दो छोटे बेटे कब्रिस्तान में मौजूद रहे, अशरफ की दोनों बेटियां कब्रिस्तान में मौजूद रही, अतीक के ससुर रिश्तेदार भी कब्रिस्तान में मौजूद रहे। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के शव रविवार को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफना दिए गए हैं। हम रुक करेंगे इस खबर पर, और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता आलोक राय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी, क्या जानकारी, दोनों को सुपुर्द खाक किया जा चुका है और कुछ परिजन भी वहां पहुंचे थे, क्या कुछ आपने देखा? जी देखिए, बिल्कुल जो है पुलिस ने पूरी जो है व्यवस्थाएं कर रखी थी, क्योंकि जो है पुलिस को अंदेशा था कि जो है किसी तरह का कोई तनाव न होने पाए, इसीलिए जो है पूरी चाक चौबंद व्यवस्था थी। भारी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात था, आरएएफ तैनात था, और लगातार जो है लखनऊ से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसीलिए जो है जब मर्चरी से बॉडी को सीधे जो है कब्रिस्तान ले जाया गया, वहां पर अतीक अहमद और अशरफ के परिवार के लोग मौजूद थे, करीबी रिश्तेदार थे, जो उसके दो नाबालिग बेटे हैं अतीक अहमद के, जो बाल संरक्षण गृह में उनको लाया गया था पुलिस सुरक्षा में। इसके अलावा जो है अशरफ की जो पत्नी थी और उनकी जो बेटी थी वो थे, इसके अलावा अतीक के ससुर थे और कुछ अन्य रिश्तेदार भी थे, वो लोग ही वहाँ पर मौजूद थे। और बाकी लोगों को जो है बाहर रोका गया था, इवन मीडिया को भी कब्रिस्तान के बाहर तक ही जाने दिया गया, अंदर नहीं जाने दिया गया। तो कुल मिलाकर जो अंतिम प्रक्रियाएं थी, अंतिम क्रियाएं थी, वो जो है परिवार द्वारा की गई। इसके बाद जो है उन दोनों को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अगल बगल ही कब्र बनाई गई थी अशरफ की और अतीक की, और उन दोनों को दफन वहां पर किया गया। कल असद जो है अतीक का बेटा जो है उसको भी वहीं पर दफन किया गया था, कसारी मसारी का जो कब्रिस्तान का जो है उसमें। तो कुल मिलाकर एक भारी बंदोबस्त था सुरक्षा का, पुलिस कोई चूक नहीं चाहती थी, किसी तरह की कोई कोताही इसीलिए नहीं बरती गई। लगातार जो आला अधिकारी है लखनऊ में बैठे हुए, वो लगातार पल पल नज़र बनाए हुए थे, पल पल जो इनपुट वहां से ले रहे थे, वहां के अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा था। खुद मुख्यमंत्री जो है पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार बैठकर, और दिशा निर्देश जारी हो रहे थे। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जो है लगातार इनपुट ले रहे थे, रिपोर्ट्स ले रहे थे, और इसीलिए है पुलिस की पूरी कोशिश थी कि कहीं जनाजा न निकाला जाए, जुलूस न जो है निकाला जाए, क्योंकि अगर जुलूस निकलता तो जाहिर सी बात है इस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी कि किसी तरह की कोई समस्या हो सकती है, कुछ शरारती तत्व जो है वहां पर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने दिया गया। भारी व्यवस्था के बीच में, सुरक्षा के बीच में इन दोनों को वहां पर दफना दिया गया है, जो है अतीक को और अशरफ को। इसके अलावा उनके परिवार के लोग ही उसमें शामिल हुए, अंतिम जो भी लास्ट रिचुअल था, जो भी अंतिम क्रिया होती है दफनाने से पहले और दफनाने के समय, वो सारी परिवार द्वारा पूरी की गई। अब धीरे धीरे लोग वहां से जो है निकलेंगे, अपने अपने घरों को जाएंगे, चूंकि रमजान का महीना चल रहा है, और इसीलिए जो है लगातार वहाँ पर व्यवस्थाएं इस तरह से की जा रही थी ताकि कहीं पर भी कोई दिक्कत न होने पाए। इसीलिए इंटरनेट को भी बंद किया गया ताकि किसी तरह की जो है सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाई जा सके, किसी तरह का मैसेज ब्रॉडकास्ट न किया जा सके, जिससे कहीं पर भी दिक्कत हो। और ये एक बड़ा चुनौती का काम था प्रशासन के लिए, साथ ही साथ जो है सरकार के लिए। इसीलिए इस मामले को जो है बेहद संजीदगी के साथ डील किया जा रहा था। लगातार जो है पल पल की अपडेट्स ली जा रही थी, दिशा निर्देश दिए जा रहे थे, तमाम आला अधिकारी एक दूसरे के संपर्क में थे। जो प्रयागराज के कमिश्नर हैं रमेश शर्मा, वो लगातार संपर्क में थे, लगातार गश्त कर रहे थे। जो भी ऐसे इलाके चिन्हित किए गए थे, जो सेंसिटिव इलाके थे, वहाँ पर गश्त बढ़ाई गई थी। और कुल मिलाकर अगर कहा जाए, आज प्रयागराज का जो माहौल था वो लगभग लॉकडाउन के जैसा ही था। तमाम लोगों को वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें भी हुई, कहीं पर कई इलाकों में दूध की सप्लाई नहीं हो पाई, अखबार नहीं बटे, दुकानें बंद थी, लोगों को सब्जियाँ तक नहीं मिली। कुल मिलाकर जो है लॉकडाउन वाला माहौल था, फोर्स ही फोर्स चारों तरफ दिख रही थी। जिस भी गली या सड़क पर आप देखिए, वहाँ पर हर तरफ फोर्स थी, पुलिस के जवान थे, आरएएफ के जवान थे, तो एक भारी सुरक्षा व्यवस्था की जो है
वहां पर की गई थी ताकि किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो उसको तुरंत काबू पाया जा सके। और इसीलिए सबसे पहला काम किया गया 144 लगाया गया, इम्पोज किया गया, इंटरनेट बंद किया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की अफवाहें फैल सकती थी। क्योंकि कल रात में जिस तरह से कुछ इलाकों में हल्का फुल्का पथराव हुआ, उसके बाद हालांकि पुलिस ने तुरंत स्थिति को काबू में कर लिया, तो उसके मद्देनजर जो है किसी तरह की कहीं कोई समस्या ना उत्पन्न हो, इसलिए जो है चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। तमाम बड़े अधिकारियों को डिप्लॉय किया गया था, जो जिम्मेदार हैं उनको डिप्लॉय किया गया था, जो एक्सपीरियंस ऑफिसर हैं पूरे मामले को हैंडल कर रहे थे, लखनऊ से लगातार इनपुट लिया जा रहा था, डायरेक्शंस दिए जा रहे थे, खुद मुख्यमंत्री भी लगातार अपने आवास पर अधिकारियों को जो है बुलाकर जो है उनसे रिपोर्ट तलब कर रहे थे। तो कुल मिलाकर जो एक बड़ी चुनौती थी प्रशासन के सामने, चाहे वो लखनऊ में आला अधिकारी हों या फिर जो स्थानीय प्रशासन था प्रयागराज का, कि किसी भी तरह से जल्दी अतीक और अशरफ के शव का जो सुपुर्दे खाक करने की प्रक्रिया है वो पूरी कराई जा सके परिवार वालों को सम्मिलित करते हुए। तो बहरहाल उस प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है, जो अंतिम क्रिया थी वो संपन्न हो चुकी है, अब लोग वहाँ से धीरे धीरे निकलेंगे। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा चैलेंज था जिसे, और एक कहा जाए तो एक बड़ा टास्क था प्रशासन के सामने, उस टास्क को फिलहाल पूरा कर लिया गया है। जी चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजरें बना रखिए और अगर कोई अपडेट मिलता है इस खबर पर तो जरूर हमारे साथ साझा करिएगा। हमारे विशेष संवाददाता आलोक जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि फिलहाल सुपुर्द खाक किया जा चुका है दोनों को, अतीक और अशरफ को। कुछ विशेष परिजन को ही वहां पर सिर्फ जाने की अनुमति थी, लेकिन जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर ऐसे में बड़ी ये थी, खासतौर पर बुरके में पहुंची महिलाओं पर पुलिस की खास नजर थी और सुरक्षा की दृष्टि से जनाजा निकालने की अनुमति पुलिस ने नहीं दी। और